अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं मरी टूर पे आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग सब लोगों को भी मरी की सैर कराई जा सके। ये देखिए मरी का मौसम किस कदर ज़्यादा खूबसूरत है। पंजाब के मैदानी इलाकों में जो सबसे ज़्यादा करीबी टूरिस्ट प्लेस है वो सिर्फ सिर्फ मरी है। इसलिए आप जब भी आएंगे देखेंगे कि मरी में बहुत ज़्यादा रश है और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सारे मरी को ही सैर के लिए आते हैं। मरी का जो मौसम है ना वो लम्हा बा लम्हा जो है ना बदलता रहता है। माशाल्लाह से हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब जो है वो हम मरी के माल रोड की तरफ जा रहे हैं। मरी का जो माल रोड है वो बहुत ही ज़्यादा कदीम शाहरा है मरी की, और इसको पहले जीना रोड भी कहा जाता था। और सबसे ज़्यादा जो रश है ना वो आपको मरी के माल रोड में ही मिलेगा। मरी में ये देखें आगे फिर मौसम किस कदर ज़्यादा अच्छा हो गया हुआ है। अब हम मरी माल रोड में आ चुके हैं जहाँ पर हम मिले हैं मिस्टर ईगल से। मिस्टर ईगल के साथ आप अपनी तस्वीर ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल जो है बनाई है। ये है चर्सी शनवारी तिक्के का रेस्टोरेंट है जिसकी मटन शनवारी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अच्छा जैसे ही मैं इनके रेस्टोरेंट में एंटर हुई ना तो मेरी नज़र इनके टेरेस पे पड़ी। टेरेस से देखें किस कदर ज़्यादा बाहर का व्यू किस कदर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मौसम होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बादल देखें कहाँ तक पहुँच रहे हैं। मतलब कि आप ये ना सोच रहे हो कि मैं शायद बुर्जुल अरब में चले गई हूँ, मैं ये मरी के रेस्टोरेंट में ही हूँ। और ये देखें बादल जो है किस कदर ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, और ये टेरेस उन्होंने कितना प्यारा बनाया हुआ है। मैं तो इधर बैठ के खाना खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने इधर बैठ के खाना खाया तो मेरे बच्चों ने ना मेरा मोबाइल या मेरी कोई ना कोई जो चीज़ है वो नीचे गिरा देनी है, जिस कदर मेरे बच्चे शरारती हैं। और मेरी आप लोगों से भी एडवाइस है कि अगर आप लोग इधर खाना खाएं तो अपने सामान को जो है ना वो आप लोगों ने अपने सामान की हिफाजत कर ली है। अब हम आप जाते हैं जी इनके किचन में, यानी कि अपने असल में आ जाते हैं। सबसे पहले तो इनका किचन जो है ना वो एक नज़र में देखते हैं कि ये किस तरीके से अपने ऑर्डर को जो है ना वो मैनेज करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ, मैं इधर का शेफ हूँ। बताएं आप हमें कि आप किस तरह शिमारी में क्या चीज़ें डालते हैं जो लोग आपका इतना पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी होती है। मैडम मेहरबानी, हमारे ये शिनवारे का ये रेसिपी हम पहले गोश्त तैयार करती है, गोश्त के बाद इसमें टमाटर डालती है, टमाटर जब पक जाएगा उसमें हरी मिर्च डालती है, अदरक डालती है, नमक डालती है, और बाद में जब तैयार हो जाएगा फिर काली मिर्च हम इसमें डालते हैं। हमारा ये रेसिपी है। लाल मिर्च वगैरह कोई नहीं डालते? नहीं नहीं, लाल मिर्च हम इसमें डालते हैं। बाद इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च, हरी मिर्च के बाद जो है थोड़ा अदरक डालेंगे, अदरक के बाद जो है इसको थोड़ा भुनाई करेंगे,
बुनाई के बाद तो उसमें डालेंगे हम काली मिर्च। जो लोग ये गरीबी बनाए टमाटर से और जो कोई सूख जाते गरीबी कम होता है उसमें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हम कर ये तैयार करते हैं। बस अभी ये तैयार है। अलग से इन्होंने टमाटर की ग्रेवी बनाई हुई है, जो कि इन्होंने गरम गरम घी में टमाटर की प्योरी को जो है वो थोड़ा सा पकाया हुआ है, जिससे ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो अगर इनको लगे कि सालन में ग्रेवी कम है तो ये वाली जो ग्रेवी है वो इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे इनका खाना अच्छा बन जाता है। हमारी मटन शनवारी जो है वो तैयार हो चुकी है। मुझे तो लगी है बहुत ज़्यादा भूख, अब मैं इसको खाने लगी हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख के जानी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।